आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के बीसी एजेंट के बारे में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट बनने के बाद आप उसमें से कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ फिर मैं आपको तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप फॉलो करते तो आप 110% पेटीएम का बीसी एजेंट बन सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड आप में से काफ़ी सारे लोग पेटीएम के बीसी एजेंट तो बनना चाहते हैं लेकिन फिर उनको एक्चुअल तरीका नहीं मालूम पेटीएम का बीसी एजेंट बन सकते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड आप पेटीएम के द्वारा जो फॉर्म दिया जाता है उसी से अप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू ना तो आपके पास कॉल आता है ना ही तो एसएमएस आता है। आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट बहुत ही आसानी के साथ बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का आप बीसी एजेंट कैसे बनेंगे फ्रेंड, इससे पहले चलिए हम लोग जानते हैं अगर आप पेटीएम के बीसी एजेंट बन जाते हैं उसमें से आप कितना कमीशन अर्न कर सकते, जिनमें आपको चार कंपोनेंट बताया जाएगा। एपीएस के बारे में यहाँ से आएंगे partner.paytmbank.com, तो इसकी ऑफिशियल साइट में यहीं से आपको आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के लिए ऑप्शन रहता है। अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड मिल जाता है पार्टनर लॉगिन का तो आप यहाँ से डाल के सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं, जिनमें यहाँ से देख सकते हैं बताया जाएगा 304 केवाईसी विद पार्ट लॉग बॉर्डर रहता है यहाँ से, और यहाँ से 1.5 फेब्रुअरी कैश विड्रॉल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इनरोल कस्टमर 10 लाख से प्लस हो गए जिनमें जस्ट 306 रुपये भी 306 लोग अभी यहाँ से कंफर्म किए हुए हैं। ट्रांसपेक्ट रहता है फ्रेंड इनरोल बाद जिनमें एक पॉलिसी दो पॉलिसी का, इसमें आप कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं ये देख सकते हैं 15%, 17%, 18%, 20% इस प्रकार से, जिनसे आपको ये कमीशन का स्लैब चलता रहता है फिर जहाँ से आके आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा इनमें देख सकते हैं कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं, एपीएस रिटेलर में 1 लाख तक का दिया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये फ्रेंड स्लैब चलता रहता है आप इसे रोक नहीं सकते हैं। इसके बाद ये कमीशन चार्ट दे सकते हैं जिनमें 5 से 10 लाख में 0.2% है, 20 से 50 लाख में कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं, केवाईसी करके कितना अर्न करवा सकते हैं 1 से 5 केवाईसी स्लैब में, 5 से 10 केवाईसी स्लैब में, 15 से 20 केवाईसी स्लैब में आप कितना अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देख सकते हैं डीएमटी के बारे में बताया जाएगा, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ में कहाँ कितना चीज़ें दी गई हैं, तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। बिल पेमेंट सर्विस में भी अपने आउटलेट में लगा सकते हैं और यहाँ से कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो कमीशन चार्ट अगर आप देखना चाहेंगे फ्रेंड तो इसकी ऑफिशियल साइट में आके यहाँ से देख सकते हैं, बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू स्कैन करके कितना कमीशन अर्न कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई जाती हैं। इसके बाद अब हम बात करें फ्रेंड कि आप आईडी के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से कमीशन चार्ट को देख लिया है। तो सबसे एक तरीका है फ्रेंड जिनमें से काफ़ी सारे लोग अप्लाई किए हैं, शायद अगर आप भी लेना चाह रहे तो अप्लाई किए होंगे, जहाँ से आपको ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट यहाँ से केवाईसी पॉइंट फैसिलिटी इन योर शॉप, जहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर, फुल नेम, बेसिक डिटेल, पिन कोड और स्टेट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। फिर दो चीज़ें हैं जहाँ से मैक्स पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फिक्स आउटलेट, क्या आपके पास कोई फिक्स आउटलेट है तो आप किसको ऐसे करना है। फिर नीचे पूछा जाता है क्या बोलते हैं, आर यू द एग्जैक्टिव कस्टमर फॉर द अदर बैंक की किसी के वाई सी लिए, आप इसे नो करेंगे। फिर इन दोनों ऑप्शन को आपको ध्यानपूर्वक फिल करना है, बाकी सारी डिटेल आप यहाँ से फिल कर लेंगे। इसके बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। एक तरीका तो यह फ्रेंड जहाँ से आप इस फॉर्म को फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं आपको सेकेंड तरीका की बात करूँ तो आपको करना क्या रहता है, आप यहाँ से सीधा कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। ये फ्रेंड आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप पेटीएम ऐप के थ्रू अप्लाई करना चाहेंगे तो 24x7 आवर्स में जाएंगे तो वहां से ऑप्शन मिलता है क्वेरीज का, तो वहां से भी कर सकते हैं, फिर यहां से सीधा आप यहां से कॉल भी कर सकते हैं। इसके लिए paytmbank.com इसके ऑफिशियल साइट में आएंगे फ्रेंड, तो यहां से सबसे नीचे चले जाएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टेक्ट एज का, आप यहीं से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टेक्ट एज पे क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपको ये नंबर दिया जाएगा आपको इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर लेना है। मैं एक चीज़ बता दूं फ्रेंड, जब भी आप इसके कस्टमर केयर से कॉल करें तो आपको ना तो यहाँ से आप गूगल से नंबर निकालना, इसकी ऑफिशियल साइट से इसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, फिर पेटीएम के ऐप से थ्रू जो आपको नंबर दिया जाएगा आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट करना है। फिर इसके बाद फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो देख सकते हैं इनकी ऑफिस भी दी गई, अगर आप इनके नियरेस्ट है तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं। ऑफकोर्स फ्रेंड आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ से नियरेस्ट ऑफिस से नहीं रहते हैं तो आप दूसरा तरीका फिर यहाँ से बात कर सकते हैं, ऐसे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, जो भी आपके लिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से आपके लिए का डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाएगा इनके थ्रू। या तो फिर आप इससे भी एक आसान तरीका है जो तीसरा तरीका आप यहाँ से कैसे ले सकते हैं, तो यहीं से आएंगे तो एक ऑप्शन मिलता है एक्टिव केवाईसी पॉइंट,
आपको सिंपली एक्टिव केवाईसी पॉइंट पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से एक्टिव केवाईसी पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने केवाईसी पॉइंट आएगा। यहाँ आएंगे फ्रेंड और यहीं से आके जैसे अपना पिन कोड डालेंगे, आपके पिन कोड में जितने भी आउटलेट रहेंगे सभी यहाँ से दिख जाएंगे। तो यहाँ से आपको सर्च करना आपके सबसे नियरेस्ट आउटलेट कौन सा है जिनसे आपकी जान पहचान है। अब फिर आप ये पूछेंगे कि यहाँ से सर्च करने क्या होगा, तो यहाँ से आप जाएंगे फ्रेंड, तो इनसे आप बात करेंगे कि जो भी इनका आउटलेट है इन्होंने कैसे ओपन किया, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कैसे मिला पेटीएम के, और जो आपकी एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से आप पिन कोड अपने एरिया का डालेंगे तो यही सारी चीज़ें आपको उन्हीं की दिखाई जाएगी, वही आउटलेट दिखेंगे जो आपके एरिया करेंगे जो इस पिन कोड में ओपन रहेंगे। यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें पूछना है फ्रेंड, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, डॉक्यूमेंट इन्होंने क्या क्या दिया है, और फ्रेंड क्या प्रोसेस रहता है यहाँ से पेटीएम का बीसी एजेंट लेने का। वैसे फ्रेंड प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल एंड नॉर्मली रहता है, जहाँ से आपको पैन कार्ड आधार कार्ड डॉक्यूमेंट देना रहता है, आपके शॉप को वेरीफाई करने के लिए आते हैं, यहाँ से आपके शॉप को वेरीफाई करने के बाद जो भी प्रोसेस रहता है उसको फॉलो करके आपके यहाँ से जो पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट का केवाईसी है सेंटर आप वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड यहाँ से कॉन्टेक्ट करके भी अपना केवाईसी सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं, आपको इन तीनों तरीकों को फॉलो कर लेना है। अगर फ्रेंड इसके बावजूद भी आप पेटीएम के बीसी एजेंट का ओपन नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको उनके कस्टमर केयर में यहाँ से कॉल करके पूछ लेना है सारी जानकारी, जहाँ से आपको ये नंबर पे कॉल करना है पेटीएम वैलेट एंड पेमेंट बैंक, आपको यहाँ से इस नंबर से ही बात करनी है। फिर आपको कहीं और नंबर से प्राप्त करके कॉल नहीं करना है क्योंकि फिर आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये तीन तरीका बेसिकली है फ्रेंड, जहाँ से आप पेटीएम के बीसी एजेंट आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको मालूम है फ्रेंड पेटीएम का बीसी एजेंट बनना इस समय कितना मुश्किल काम हो चुका है, तो ये तीनों तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तीनों तरीका मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें, मन में कोई सवाल हो तो इस वीडियो के अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड आपको ऐसे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करें, मन में कोई सवाल तो पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिएगा। मैं आपके लिए जितना भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ उसको उसके लिए आपको पहुँच जाएगा। एक नॉलेजबल टॉपिक था इसे मैं आपसे जरूर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।